रखनी है, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं और शुरू करेंगे ट्रेड का चौका। तो ट्रेड के चौके में सोनी और कपिल दो आपसे ही समझेंगे कहाँ पे है आपकी नजर। और सोनी, सबसे पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं। स्टॉक पिक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में, बहुत ही अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट ये आईसीआईसीआई बैंक का आज का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो एक सपोर्ट बनाएगा अपना, एक नो लेंड करेगा सपोर्ट टू बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के लिए। सो पहला है आईसीआईसीआई बैंक, आप ले सकते हैं 990 स्टॉप लॉस के साथ, 1040 टारगेट के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, 20 EMA को इसके ऊपर आज क्लोज भी कर रहा है, सो यहाँ से पॉजिटिव व्यू बन रहा है। जो दूसरा पिक है वो है ONGC में, आज बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं, करीबन 16% का वो काफी अग्रेसिव है। और ONGC का भी आज 222 के ऊपर एक और फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। सो ONGC यहाँ से पोजिशनली के लिए अगर देखेंगे तो 235 टारगेट्स के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है, और नीचे में उसका सपोर्ट 215 पे अच्छा है। सो 215 स्टॉप लॉस के साथ आप ONGC में भी बाय कर सकते हैं 235 टारगेट्स के लिए। आइए, आज ट्रेड का चौका में आपको क्या पसंद आ रहा है? जी हमें सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंडेक्सेस में देखते हैं तो आज तो लार्ज कैप निफ्टी 50 में काफी अच्छी बढ़ोतरी हमने देखने मिल रही है, निफ्टी आईटी के चलती हुई, और बाकी सारे सेक्टर का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। लेकिन इसके साथ में भी आज स्मॉल कैप में फिर से भी एक थोड़े टाइम के कंसोलिडेशन पैच के बाद में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो मेरा स्टॉक का चुनाव एक स्मॉल कैप के सेगमेंट से रहा हुआ है जहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा और मजबूत बना हुआ है। तो सबसे पहला मेरा पहला पिक रहेगा बीकाजी का। तो बीकाजी ने काफी टाइम के कंसोलिडेशन पैच के बाद में उन्होंने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट हुआ है और आज फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें यहाँ पे देखने मिली हुई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम ड्यू होनी चाहिए। 582 का लेवल है अभी, तो 582 के करंट लेवल पे हमें एक बाय का व्यू बनता है। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 620 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक है CIE इंडिया, जो कि एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर्स में हम फिलहाल देखते हैं तो ऑटो सेक्टर्स में एज सच इतने कुछ खास मोमेंटम नहीं है जो आपके एलसीवीज है, लेकिन आपकी काफी अच्छे मोमेंटम हमें ऑटो एंसिलरीज के पार्ट में एक देखने मिल रहा है। तो CIE इंडिया अपने 15 एक साल का कंसोलिडेशन पैच को ब्रेकआउट किया हुआ है, काफी टाइम उसने टाइम वाइज करेक्शन दे दिया हुआ है, अभी प्राइस वाइज इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो CIE इंडिया 494 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, 475 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 530 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो CIE ऑटोमोटिव और बीकाजी फूड्स, ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर तेजी करके आप चल सकते हैं।